एक नवजात शिशु जो है वो बिल्कुल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के बाहर जो आप यहाँ पर ज़मीन देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो मिला है, और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर पहुँची है, पुलिस विभाग की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँची है, और बिल्कुल रोड साइड में जो है ये नवजात शिशु जो है वो मिला है। और जिस तरह से अगर हम ज़्यादा बात ना करते हो आपको सीधा बताएं कि शालामार हॉस्पिटल का ये रोड है और जहाँ से ये जाते हैं और गवर्नमेंट आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, और बिल्कुल पुलिस भी जो है वो पुलिस जो है वो यहीं पर है, और साथ ही साथ बात करते हैं कि फॉरेंसिक टीम भी जो है वो यहाँ पर पहुंची और जिस तरह से तथ्य जो है वो पुलिस यहाँ पे खंगाल रही है। लेकिन मैं आपको एक जो एक पॉइंट है वो ज़रूर वहाँ पे रेज करना चाहूँगी, जिसने भी इसे रात के अंधेरे में जो है वो फेंका है, पहले उसने जो है वो थोड़ा सा गड्ढा खोदने की कोशिश की है ताकि ये कहीं पर स्थिर मतलब हो सके, और ये जो आपको ब्लू कलर के टॉवल में दिख रहा है इसी के अंदर जो वो है, हालांकि अभी मैं आपको नहीं बता सकती क्या ये बॉय है या गर्ल है, बस इतना बता सकती हूँ कि सिचुएशन ये कह सकती है और चांसेस ये हो सकते हैं कि तब ये जिंदा हो, लेकिन अभी तक जो है इसे नहीं देखा गया है क्योंकि तब तक के लिए फोटोग्राफर्स की टीम का पहुँचना बहुत ज़रूरी था, फॉरेंसिक टीम का पहुँचना बहुत ज़रूरी था, पुलिस का पहुँचना बहुत ज़रूरी था। अगर आप इस रोड पर देखें तो बहुत ज़्यादा जिस तरह से एक ह्यूज जो है वो गैदरिंग भी हो रही है, लोग भी देख रहे हैं, ट्रैफिक की बात करते हैं वो भी जो है यहाँ पर थोड़ा स्थिर था लेकिन उसे जो है वो यहाँ से चलाया जा रहा है। वहीं यहाँ पर जो टीम पहुँची है तो वो भी मैं आपको बता दूँ कि ग्लव्स जो हैं वो लगातार जो है अब पहनना उन्होंने शुरू किए हैं क्योंकि पुलिस का आना बहुत ज़रूरी था, चाहे टीम यहाँ पर है, फोटोग्राफर देखिए अभी जो टीम मेंबर्स थे वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जिस तरह से बात करते हैं देखिए मैं हम आपको जो है वो दूर से दिखाएंगे, तो फोटोग्राफर्स की टीम के लिए जो है वो इसे हटाया गया है कि आप जो है वो इसे हटा दे, लेकिन हम भी जो है आपको पूरी तस्वीरें जो है वो नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत शर्मनाक है ये तस्वीरें जो हम अभी देख पा रहे हैं, बहुत शर्म की बात है, उन माता पिता को शर्म आनी चाहिए, और दुनिया में जिस तरह से ऐसे माँ बाप भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो एक औलाद के लिए तरसते हैं, और यहाँ पर वो लोग भी हैं जो अपनी औलाद को जो है इस तरह से फेंक देते हैं। तो वाकई में मतलब जो बात थी वो सच साबित हुई है, यहाँ पर जो है शिशु है। अभी जिस तरह से हॉस्पिटल की बात करते हैं, उसके हॉस्पिटल में जो है उसके हाथ में जो हॉस्पिटल की जो एक नंबर होता है जो एक नंबर है वो अभी भी जो है वो वहां पर है, जो एक हॉस्पिटल से जब बच्चा पैदा होता है जब उसे हॉस्पिटल में रखा जाता है तो उस पर एक जो है नंबर लगाया जाता है। मैं आपको तस्वीरें बिल्कुल नहीं बताऊंगी क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं वो मैं आपको नहीं दिखा सकती, ये तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ऐसा करना जो है वो सही नहीं है, तो ये तस्वीरें जो है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन बस आपको लेकिन हम आपको जो है वो इतना बता सकते हैं कि वाकई में जो खबर है वो पुख्ता है, खबर जो है वो सच्ची है कि एक न्यू नवजात शिशु जो है वो यहाँ पर है, खबर जो है वो बिल्कुल सही साबित हुई है और बिल्कुल शर्म की बात है। और जिस तरह से टीम जो है वो फोटोग्राफ्स जो है वो यहाँ पर ले रही है, पुलिस जो है वो मौके पर यहाँ पर पहुंची है, पुलिस की टीम फोटोग्राफ्स ले रही है, तथ्य जो है वो खंगाल रही है, और जिस तरह से मैं आपको ये तस्वीरें बता रही हूँ बहुत शर्म की बात है, कई लोग जो हैं वो इस तरह से जो है बच्चों के लिए तरसते हैं और कई लोग जो हैं वो यहाँ पर जो है वो इस तरह से जो है, और जो मैंने आपको बताया बिल्कुल जिस तरह से हॉस्पिटल से हम जब लेकर आते हैं अपने और अभी जांच का बिल्कुल ये विषय जो है वो जांच का रहेगा, तो लोग यहाँ पर पुलिस यहाँ पर बाकी सब भी जो है वो यहाँ पर जरूर पहुँच रहे हैं, हाँ तो यहाँ पर जो है वो पहुँच रहे हैं, और अभी ये रिवील करना बहुत मुश्किल है कि ये नवजात शिशु जो है वो बॉय है या गर्ल है, और जिस तरह से बात कहें तो यहाँ पर जो है इसकी जांच जरूर होगी और पुलिस जो है वो जांच जरूर करेगी, और पुलिस जो है वो उन्हीं सबूतों को इकट्ठा कर रही है कि जिस तरह से जांच जो है वो यहाँ पर हो सके। तस्वीरें जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची है, और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा क्योंकि
एक जान जो है वो बहुत मुश्किल से जो है वो बचाई जाती है, और एक जान जो है तो ये तस्वीरें मैं आपको जो बता रही हूँ जो उसकी बॉडी है वो बिल्कुल फ्रेजाइल हो चुकी है, ये भी मतलब तस्वीरें जो हैं वो हम आपको नहीं दिखा सकते, बहुत शर्मनाक करने वाली जो हैं वो तस्वीरें हैं, तो तस्वीरें बिल्कुल जो है हम आपसे साझा नहीं करेंगे, बस आपको इतना ही बताएंगे कि ये तस्वीरें जो है ये शर्मनाक करने वाली तस्वीरें। ये तस्वीरें जो हैं बिल्कुल इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के बाहर की ये तस्वीरें हैं, और एक नवजात शिशु जो है वो यहाँ पर मिला है। अभी पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है, फोरेंसिक टीम की बात करते हैं वो भी यहाँ पर पहुंची है, फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। तो जिस तरह से आपको मैं बता दूं कि ट्रैफिक को जो है यहाँ पर जो है हटाया जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पर एक ट्रैफिक जो है वो लगा, तो जिस तरह से आपको बता दें कि सबूत जो है वो वाकई में यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं ताकि इसके फैमिली को ढूंढा जा सके कि किसने जो है ये काम किया है। बहुत शर्मनाक वाकया है, कई लोग जो है वो तरसते हैं कि उनके घर पे औलाद हो, और कई लोग जो है वो अपनी औलाद को जो है वो इस तरह से फेंककर जो है वो चले जाते हैं। पुलिस जो है वो तथ्यों को खंगाल रही है और उन तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगी, फॉरेंसिक टीम है, और बिल्कुल पहुंचा जाना चाहिए, और ऐसे माँ बाप को बीच चौराहे में लाकर जो है वो दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बात करते हैं कई लोग जो है वो जान को बचाने के लिए काम करते हैं और कई लोग जानों को इस तरह से मारते हैं। हम आपको फोटोग्राफ्स नहीं दिखा सकते, बस इतना कह सकते हैं कि बहुत शर्मनाक करने वाला वाक्य था। आप अपनी राय को जरूर साझा कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जम्बुलटा न्यूज़, आशा खान से तलाब।